जिनको बराबर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जितनी मोहब्बत हासिल थी, उतनी ही किसानों के रहनुमा और हमदर्द चौधरी चरण सिंह के प्यार उनको हासिल था। और इसलिए शरद जी ने कभी यह नहीं चाहा था कि वो सांसद बन जाए, वो तो जनता की लड़ाई, छात्रों नौजवानों की लड़ाई लड़ते लड़ते आजादी के बाद आजाद भारत में 4.5 साल हिंदुस्तान की जेल में बंद थे। और जयप्रकाश नारायण के कान में यह खबर गई कि मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का कोई नौजवान अध्यक्ष है, हिंदुस्तान की राजनीति का उदीयमान सितारा है, वह जेल के शीशे में बंद है। और संविधान सभा के जो सदस्य रहे उनकी असामयिक मौत हो गई है, तो सीट खाली हुई है, उपचुनाव हो रहे हैं, उसी नौजवान को लाकर लड़ाया जाए। शरद जी तैयार नहीं हो गए, लेकिन उस उपचुनाव में हिंदुस्तान का ऐसा कौन बड़ा समाजवादी नेता था जो उनके प्रचार में न गया, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर तमाम लोग। और जब वो जीत गए तो मालवीय चौक है वहां पर जयप्रकाश नारायण खुद, एक धन्यवाद सभा थी वहां, वो शरद जी के बारे में बोलने गए कि आप सबने एक होनहार नौजवान को यहां से जिताकर और गुजरात में एक ऑथोरिटेरियन रजीम को मात देकर जो हिंदुस्तान को संदेश दिया है, उसको मैं सलाम करने के लिए आया हूं। हमें उम्मीद है कि यह नौजवान हिंदुस्तान की आकांक्षाओं अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। और उसके बाद शरद जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो एक तरह से जयप्रकाश नारायण के द्वारा कोई भी चुनाव लड़ाए जाने वाले पहले व्यक्ति थे जिनको हल्दर किसान छाप पर शायद हल्दर किसान छाप पर जयप्रकाश नारायण ने पीपुल्स कैंडिडेट बनाया, जनता का उम्मीदवार। आज भी कुछ लोग मीडिया को मैनेज कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास धन बल है और सरकारी तंत्र है, लेकिन शरद यादव जी के पास धन बल नहीं है, उन्होंने अभूत संपत्ति नहीं जमा किया है, उनके पास आपके जैसा जनबल है। यह चुनाव तय करेगा कि जनबल हारेगा या फिर जनबल जीतेगा। इसलिए साथियों, जब लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल से अवधि उसकी बढ़ा दी गई, तो इस देश में 500 से ज्यादा एमपी वाली लोकसभा से सिर्फ 2 आदमी हुए जिन्होंने अपने विवेक की आवाज सुनी, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण की नीतियों और सिद्धांतों में आस्था व्यक्त करते हुए इस्तीफा दिया। और वो 2 लोग कौन थे? एक महान समाजवादी नेता मधु लीमे जी और दूसरे शरद यादव जी। ये हिंदुस्तान की तारीख इस बात को याद रखेगी जब भी समाजवाद का इतिहास लिखा जाए। और उसके बाद जब 77 का चुनाव हुआ, आपातकाल के दौरान बहुत सारे साथी जेल में बंद रहे हमारे नेता, तो उसमें शरद जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम इसके पहले की सभा में भी बोल रहे थे कि जहां 1970 में जबलपुर विश्वविद्यालय में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट शरद जी थे, वहीं पर पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के महासचिव लालू प्रसाद जी विजयी हुए। क्या शानदार संयोग था। और इन दोनों नेताओं ने इस देश की जो गरीबी झेल रही आबादी है, जो बहुजन तबका है, जिसके लिए शोषितों की आवाज बुलंद कर रहे थे बिहार लेनिन आदरणीय जगदेव बाबू, उस जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के शोषित समाज दल के सिद्धांत को, जो अक्सर कहते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है, उस 90 बनाम 10 की लड़ाई में जो 10% आबादी है वो अपने वर्चस्व को कायम करना चाहते हैं, वो अपनी हेजमनी को बरकरार रखना चाहते हैं, उसी वर्चस्वशाली शक्तियों को चुनौती देने का काम आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुलायम सिंह जी ने, आदरणीय शरद यादव जी ने किया। और इसीलिए ये तीनों नेता लोगों की आंखों में खटकते रहे। जो लड़ाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने लड़ी, उनका क्या दोष था? वो किस घोटाले में संलिप्त थे? लेकिन लोग मजाक उड़ाते थे। 77 के बाद जब जगजीवन राम जी वहां पर मंत्री बन गए केंद्र में, राम नरेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कर्पूरी ठाकुर जी यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री बने,
तो यही ब्राह्मणवादी मनवादी लोग मजाक उड़ाते थे कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, कर्पूरी केश बनावे भैंस चढ़ावे राम नरेश। ये कौन लोग थे, ये कौन पेशन लोग थे जो यह कहते थे कि अंग्रेजी की बाध्यता समाप्त हो गई है, तो उस अंग्रेजी के बिना पास होने वाले लोग ये फिचकड़ी डिवीजन से पास होने वाले लोग थे। चूंकि फिचकड़ी का प्रयोग हजामत में किया जाता है, तो कर्पूरी ठाकुर की मां बहन बहू बेटी को गालियां दी गई। लोगों ने यहां तक कहा कि एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। मतलब कि कर्पूरी जी जब आरक्षण की बात करते थे तो लोग उन्हें गालियों से नवाजते थे, और जब शरद जी, जब लालू प्रसाद जी रिजर्वेशन की वकालत करते हैं, कैब को बनाने की बात करते हैं, तो इन दोनों नेताओं को गाली देने से पहले लोग अगल बगल झांक लेते हैं कि कहीं कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी, पसमानदा, अकलियत का आदमी सुन तो नहीं रहा है। अगर ज्यादा भचर भचर किए तो शारीरिक समीक्षा भी ये लोग कर देंगे। तो ये ताकत कहां से मिली है? ये ताकत जो फूले, पेरियार, बिरसा, अम्बेडकर, सिद्धू कान्हू, जलकारी बाई, सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख जैसे हमारे नायकों, हमारी नायिकाओं ने जो लड़ाई लड़ी, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम ये नेता हमारे करते रहे। 74 के बाद से हिंदुस्तान के अंदर कोई भी लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ है जिसको शरद यादव जी ने न लड़ा हो, और उनकी ताकत को आप सराहिए, उनकी बुलंदी को आप सलाम कीजिए कि जब वो 80 में चुनाव हार गए जबलपुर से, तो एक षड्यंत्र के तहत उनको मध्य प्रदेश से शिफ्ट कराया, और शिफ्ट कराने वाले कौन थे? वही नानाजी देशमुख, जनता पार्टी के उस वक्त महासचिव थे। बाद में जब ये सब अलग अलग हो गए दोहरी सदस्यता के नाम पर, मैं सिर्फ आपको इसलिए इन बातों को आपके सामने दोहराना चाहता हूँ कि जो लोग अपना इतिहास भूलता है उसका भूगोल बदल जाता है। इसलिए आपको अपनी जमीन को बरकरार रखना है, आपके पैर के नीचे की जमीन को छीनने की कोशिश और षड्यंत्र चल रहा है। ये नीतीश कुमार जी, लोगों को आशा जगी कि फिर से दो नेता मिल गए, लोगों ने महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने का काम किया। लालू प्रसाद जी तो तैयार नहीं हो रहे थे, शरद जी ने उनको मनाया, सब लोग इकट्ठे हुए, लेकिन बाद की भाषा बदल गई। अरे आपको जाना था तो आप चले जाते, आपने इल्जाम बढ़ा, और आपको पता नहीं था कि किस तरह के मामले पहले से चल रहे थे, और आप कौन होते हैं जनता के बीच जाके सफाई दीजिए। तो आप जानिए कि जैसा तेजस्वी जी बोलते हैं कि तारीख पर तारीख तो हिंदुस्तान की जुडिशरी में होता है, लेकिन जनता के अदालत में सीधा फैसला होता है। आपको फैसला करना है कि यहां से आप फासीवादी को जिताएंगे, कट्टरवादी को जिताएंगे, या फिर समाजवादी शरद यादव जी को जिताएंगे। अगर शरद यादव जी को आप जिताते हैं, जो हमें स्पष्ट आपके चेहरे की लकीरें बता रही हैं कि आप कृत संकल्प हैं, आप एकताबद्ध हैं, तो फिर लालू यादव जी भी जेल से छूटेंगे और तेजस्वी यादव जी भी मुख्यमंत्री बनेंगे। सिर्फ एमपी और एमएलए और चीफ मिनिस्टर बनाने का चुनाव नहीं है, जैसा कि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि लोग पटवारी बन के ही खुश हो जाते हैं, तो कुछ लोग हमारे नेताओं से भी कुछ गलतियां हुई होंगी अतीत में, उन सबको भूलने का समय है। यह बड़ी लड़ाई है, बड़े सवालों के इर्द गिर्द आपको और हमको इकट्ठा होना है। नोटबंदी एक ऐसा फैसला जो निजाम को जो मन में आया कर दिया, लाखों करोड़ों लोग उससे बेरोजगार हो गए, अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। इस हमारे दौर के सबसे प्रबुद्ध अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री पूर्व मनमोहन सिंह जी ने कहा, यह तो लीगलाइज लूट है और ऑर्गेनाइज ब्लंडर, यह इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला। तो जो 10 लखिया ये 10% जो आरक्षण अर्थलखिया दरिद्र ब्राह्मणों और तथाकथित उच्च जातियों को देने का काम हुआ है संविधान में संवैधानिक संशोधन करके, तो उस वक्त सदन के अंदर दो नेताओं की बहुत भारी कमी खली हम लोगों को। एक लालू प्रसाद की, जो ठेठ गवई विशुद्ध देसी अंदाज में इस सरकार को नंगा करके रख देते, तो दूसरे दो पुरुष शरद यादव जी की, जिनके सामने नरेंद्र मोदी की सरकार की हिम्मत नहीं थी कि इस तरह से संविधान में संशोधन करके हमारे और आपके हक पर डाका डाल देते, संविधान की रूह को कुचला गया है ऐसा करके। वही शरद यादव जी हैं जिन्होंने पूरा का पूरी अपनी ताकत लगा था, इवन भाजपा के भी एमपी जो गोपीनाथ मुंडे थे पिछले समाज के, इन तमाम लोगों को बोल बंद करने का काम किया पिछड़ों के सवाल पर कि भाई महिला आरक्षण को लागू करने के हम पक्ष में हैं, लेकिन उसमें कोटे के अंदर कोटे की लड़ाई होनी चाहिए, शोषित पिछड़ी महिलाओं को उसमें प्राथमिकता के साथ शामिल किया जाना चाहिए। यह लड़ाई हमारे शरद यादव की लड़ाई, इसलिए
जब आप वोट डालने जाएं तो 2014 में जो वादे और दावे किए गए थे प्रधानमंत्री के द्वारा, उन खोखले वादों को उस मैनिफेस्टो के एक बार जरूर आप उलट कर देखें कि आपके और हमारे साथ किस तरह का छला हुआ। अरे नशे मन ही के लुट जाने का गम होता तो क्या गम था, नशे मन ही के लुट जाने का गम होता तो क्या गम था। यहाँ तो बेचने वालों ने गुलशन तक बेच डाला, पूरा का पूरा पंजाब नेशनल बैंक को लुटवा दिया। ये नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, सबके सबको ही भगा दिया। और ये क्या सहयोग है कि सारे के सारे मोदी ही मोदी भागे जा रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा नजारा प्रस्तुत हुआ, पहले भी उद्योगपतियों को हुकूमत अपने इशारे पर नचाया करती थी, लेकिन पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए देश के सबसे ताकतवर पुरुष की पीठ पर देश के सबसे धनवान पुरुष का हाथ पड़ गया। ये बहुत ही फटी तस्वीर उभरे। ये लोग अडानी और अंबानी के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र जो आप देख रहे हैं यह लोकतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र का दरअसल प्रबंधन है, उसका मैनेजमेंट चल रहा है। आने वाले समय में कोई शरद यादव लोकसभा नहीं पहुंच पाएंगे, आने वाले समय में कोई मधु नेगी आपको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में नजर नहीं आएंगे। इसलिए इस डेमोक्रेसी को बचा लीजिए, इसलिए इस इलेक्शन के प्रोसेस को बचा लीजिए। ये लोग बोल रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 50 साल तक राज करेंगे, कैसे करोगे भाई? चुनाव उनाव कराओगे कि नहीं कराओगे? साक्षी महाराज कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। इसलिए जो शरद जी घूम घूम कर देश के अलग अलग इलाकों में जो साझा विरासत बचाओ सम्मेलन कर रहे थे, विपक्षी नेताओं को और दलों को गोलबंद कर रहे थे, और 1 से 1.5 साल तक विपक्ष के पूरी की पूरी रणनीति कैसी हो उसको तय करने का काम कर रहे थे। या तो लालू जी की आकांक्षा थी कि पूरे देश के अंदर इन फांसीवादियों, इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक बड़ा महागठबंधन आकार ले, स्वरूप ले। तो आज हम समझते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में एक और पार्टी शामिल होती तो और विस्तृत उसका एक फलक होता, लेकिन ठीक है, दो बड़ी पार्टियां तो एक साथ आई हैं और वो दोनों भाजपा के खिलाफ हैं। हाँ, बिहार में जरूर हम लोग जैसा गठबंधन चाहते थे वैसा हुआ है। पिछली बार जहां कांग्रेस और राजद का गठबंधन था, वहीं इसमें उपेंद्र कुशवाहा जी की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी है, मांझी जी की हिंदुस्तान अवामी मोर्चा भी है, मुकेश सहनी जी की विकासशील इंसान पार्टी भी है। और आप यकीन जाने कि ये सिर्फ दलों का गठबंधन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सामाजिक समूह का गठजोड़ है, बहुत नैसर्गिक अलायंस है, बहुत स्वाभाविक गठबंधन है। और इसलिए यह गठबंधन 23 तारीख को वोट में आपकी आकांक्षाओं को, आपके आक्रोश को ट्रांसलेट करके देश दुनिया के सामने दिखाएगा कि जिस शरद यादव ने लड़ाई लड़ी थी हमारी आपकी, उस शरद यादव के लिए लड़ने की बारी अब हमारी और आपकी है। अरे आपके हमारे लिए लड़ते हुए उन्होंने अपनी दोनों टांगे तोड़वा ली, वो ठीक से चल नहीं सकते हैं। और इधर उनका एक बयान मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था कि अगर मोदी जीत जाएंगे तो जिस तरह के ये क्रूर लोग हैं वो हमें मरवा देंगे, हमें जेल में सरवा देंगे। तो आज हम यहाँ के बिहारीगंज के अपनी माताओं, बहनों, भाइयों से, दोस्तों से अपील करने के लिए आए हैं कि हिंदुस्तान के अंदर किसी की ये हिमाकत नहीं हुई है, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि शरद यादव की ओर आंख उठा के भी देख ले, चाहे वो 7 RCR में बैठा हुआ गुजरात का गुंडा क्यों न हो। शरद यादव को चुनौती देते हो? अरे शरद यादव ने तो जीवन भर लड़ाई लड़ने का काम किया है, युवा जनता के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो, युवा लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, युवा जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जनता दल के नेता रहे सदन में, वो जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष थे, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जनता दल यूनाइटेड जिसको उन्होंने बड़े प्यार से बनाया था उसके 3-3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और बहुत ही विचित्र तरीके से नीतीश कुमार ने साजिश के तहत उनको पार्टी भी उनके हाथ से ले ली और एक चूजे का बच्चा भी उनके पास नहीं छोड़ा। जब ये भाग रहे थे भाजपा की काम किए हुए, जिस वक्त मैं कह रहा था कि गठबंधन चल रहा है काहे उसे तोड़ रहे हो, तो तुमने जिद करके ये काम किया। और आज जब एक अच्छी भली सरकार चल रही है, सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है, और हम पर भी जो इल्जाम था कि एनडीए में थे उसको भी हमने दूर करने की भरसक कोशिश की है, एक बार फिर तुम हमको उस ओर धकेलना चाहते हो। तो इसलिए नीतीश कुमार जी के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। इन्होंने अपनी आत्मा को, अपनी रूह को नागपुर के दफ्तर में जाके निलाम कर दिया
और अगर रीढ़ वाले नेताओं की कोई लिस्ट बनेगी हिंदुस्तान में तो लालू प्रसाद जिस पर उसमें टॉप पर नजर आएंगे, क्योंकि कभी भी बलवाइयों और दंगाइयों के साथ हाथ मिलाने का काम नहीं किया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नेता प्रतिपक्ष और इस देश के सबसे यंगेस्ट लीडर अपोजिशन तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमको भले ही एक भी सीट नहीं आए, लेकिन संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ हम बोलना नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए जो बहुजन प्रतिभाओं का गला काटा गया है 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए, हम लोग उसको जनेऊ रोस्टर बोलते हैं, हम लोग उसको रणवीरिया रोस्टर बोलते हैं। जैसे रणवीर सेना दलितों का कत्लेआम करती थी, वैसे ही ये भाजपा की गुंडों की सरकार जो है बहुजन प्रतिभाओं का उसके कैरियर का मर्डर कर रही है, क्योंकि 114 पोस्ट नहीं आएंगे तो एक भी आदिवासी बहाल नहीं हो पाएगा। 107 सीट को विज्ञापित नहीं किया जाएगा, कोई दलित उसमें नहीं आ पाएगा। 104 सीटें अगर एडवर्टाइज नहीं होंगी, कोई भी पसमानदार पिछड़ा तबके का बेटा प्रोफेसर साहब नहीं बन पाएगा। तो कुल मिला के आपके आरक्षण को जो ये लोग कहते थे ऐसा बना देंगे कि आरक्षण रहे कि नहीं रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये नितिन गडकरी बोलते थे कि अरे भाई नौकरियां जब है नहीं तो आरक्षण का क्या मतलब है। योगी आदित्यनाथ बोलते थे कि योग्य लोगों की कमी है, हमारे पास तो नौकरियां ही नौकरियां। और नरेंद्र मोदी बोल रहे थे हमने इतनी नौकरियां बांटी कि हमारे पास आंकड़े नहीं, आंकड़े जुटा रहे कि हमने कितनी नौकरियां बांटी। आपके साथ बच्चा मजाक कर रहा है, ये गाय गोबर की सरकार, ये समाजवादियों की धरती मधेपुरा से, ये आरएसएस के गोद में खेलने वाले लोग जीतेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये नीतीश कुमार जी राजनीतिक रूप से सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। आप याद करो बाबू जगदेव जो कहते थे कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तो पहली पीढ़ी के लोग तो खुद ऐसा कहने वाले बाबू जगदेव को बड़ी निर्शंसता और क्रूरता के साथ उनकी हत्या की गई। और हत्या में जो शामिल रामाश्री प्रसाद सिंह जैसे गुंडे थे उसको नीतीश कुमार जी ने जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री बना दिया। और ये वही रामाश्री प्रसाद सिंह थे जो हमारे नेता हमारे पुरखे बाबू जगदेव को घसीटते हुए प्यास लगने पर उनके मुंह पर पेशाब करवा देने का काम किया। और आपको जानकर सिर्फ हैरत नहीं होगी बल्कि आपका तलवा का लहर मगज पर चढ़ जाएगा जब आपको ये ज्ञात होगा कि उसी रामाश्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया उसी जगह जो बाबू जगदेव का इलाका है, इसी नीतीश कुमार पर। मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि कोई भी जाधव समाज का आदमी जो भाजपा के साथ है वो हमारा और आपका नेता नहीं सकता, चाहे हुकुमदेव नारायण यादव हो, चाहे रामकृपाल यादव हो, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे राजस्थान से चल के बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव हो। उसी तरह से कोई दलित का बेटा चाहे रामविलास पासवान जी क्यों ना हो, ठीक है एक समय वो भी मंडल कमीशन की लड़ाई में हमारे नेता के साथ थे, लेकिन आज उनका रास्ता अलग है, वो हमारे रहनुमा नहीं हो सकते, हमारे वो नेतृत्वकर्ता नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही कोई अकलियत समाज का आदमी हो और संघ की गोद में खेल रहा है जैसे मुख्तार अब्बास नकवी, वो हमारे और आपके हमदर्द नहीं हो सकते। इसलिए हम लोग लोहिया के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम लोग कयूम अंसारी और पीर अली को मानने वाले लोग हैं, हम लोग अली बिरादरान मौलाना शौकत अली और मौलाना जौहर अली के वंश के लोग हैं। हमारे और आपकी लड़ाई को कोई इलाम नहीं कर सकता। इसलिए आपको और हमको अपने भविष्य को खुद ही करना है। आपके और हमारे इस राज्य में जहां दंगा बवैला 15 साल तक मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी रहे तो उसको फैलने नहीं दिया, वहां पर पटना की सड़क पर गोड़ से जिंदाबाद के नारे लगाए। ये वही पटना गांधी मैदान है जहां से शरद यादव जी ने ऐलान किया था कि हमने तो मंडल लगाकर पिछड़ों की सोई हुई सुषुप्त चेतना को झकझोरने और झिझोरने का काम किया है, अब ये सोए हुए लोग जग जाएं और अकलियतों का हाथ थाम लें, अकलियतों का साथ तुम्हारे आंदोलन को मजबूत करेगा। अकलियतों मुसलमानों पर जो हाथ उठे उनको थाम लो और फिर वो हाथ उठे तो उसको तोड़ने से भी तुम बाज नहीं आओ, क्योंकि उनकी और तुम्हारी एकता स्वाभाविक एकता है। काल का। अरे बाकी लोग जो हिंदू हिंदू कर रहे हैं, अरे गोपालन हम करें, गाय की सेवा हम करें और कुत्ता पालने वाले लोग हमको गोमाता के नाम पर हमारे लोगों को मारने का काम करें, क्या गुनाह था अखलाक का, क्या गुनाह था पहलू खान का, क्या गुनाह था जुनैद का? आपने इस देश को तमाशा बना दिया। और कौन कहता है कि ये अकलियत के लोग हैं?
अरे दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में बसती है, तो जो बहुजन और मुसलमान को मिला दो तो हम लोग अकलियत नहीं है, हम लोग अक्सरियत के लोग हैं, हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं। इसलिए यहाँ पर बहुजन राजनीति आगे भी चलेगी, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इसलिए हम पॉजिटिव एजेंडा पर 2-3 मिनट में आपके सामने बात रखे कि अगर हमारी सरकार बनती है तब हम क्या क्या करेंगे। इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित रही है। हम लोग कृषक वर्ग के लोग हैं, इसलिए जो खाद बीज सिंचाई कृषि उपकरण इसके दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है उसको घटाने और रोकने का काम राष्ट्रीय जनता दल करेगा अगर महागठबंधन की सरकार बनती है। हमारी सरकार अगर बनती है तो 1931 के बाद जो जाति जनगणना आज तक नहीं हुई है और दो दो बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कंसेंसस बनने के बाद भी नहीं हुई, एक बार देवेगौड़ा जी के समय में, लेकिन अटल बिहारी सरकार ने आया और उस बात को खत्म कर दिया। दूसरी बार यूपीए 2 के अंदर कुछ गलतियां हुई हैं, उस बार भी नहीं होने दिया। वो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करा दिया गया जिसमें 4,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। इस देश में गाय की बकरी की भेड़ की कुत्ते की बिल्ली की सूगा की मैना की तोता की यहाँ तक कि सुअर की गिनती हो जाती है लेकिन इंसानों और आदमियों की गिनती नहीं होती है। तो 2021 की जो जनगणना है वो जातिवार जनगणना होगी और भारत के जनगणना आयोग द्वारा वो जनगणना कराई जाएगी, जिसके लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी, जिसके लिए आदरणीय शरद जी, मुलायम सिंह जी और तमाम पिछले नेता एकजुट थे, वो आगे भी एकजुट रहेंगे। ये हमारी आपकी अस्मिता से जुड़ा सवाल है। कौन लोग हैं जो उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं? ये वही लोग हैं जिनको डर है कि सही सही आंकड़े आ जाएंगे तो हमको आरक्षण की सीमा बढ़ानी पड़ेगी। हम गरीबों के खिलाफ नहीं है, गरीबों को आरक्षण मिल रहा है तो हम उसके खिलाफ नहीं हो भी नहीं सकते, होना भी नहीं चाहिए। गरीबों के लिए गरीबों की गरीबों के द्वारा स्थापित पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन आप ही बताइए जिसकी मासिक आय 66,666 रुपये है उनके लिए हमदर्दी कहाँ से हम पैदा करते, कौन सा मैकेनिज्म हम चला। तो इसलिए ये बहुत ही शातिर बने के साथ इस तरह से डिस्कोर्स दिया जाता है जिसमें हम और आप फंस जाएं और गिल्ट कॉन्शियसनेस में चले जाएं। हम गरीबों के खिलाफ नहीं है, गरीबों के साथ पूरी सहानुभूति है, उनके हर दुख में हम साथ हैं। इसीलिए आजादी के बाद से जितनी भी योजनाएं बनी हैं अमीरी और गरीबी की खाई को मिटाने के लिए वो सब के सब इकोनॉमिक बेस्ड प्रोग्राम, चाहे जवाहर रोजगार योजना, चाहे यूपीए 1 में रघुवंश बाबू मनरेगा लेकर आए हैं, मुद्रा योजना हो इस सरकार की। तो इसलिए ये जो शरारत चल रहा है उसको दूर करना है। और अगर मधेपुरा की भर्ती से आप भारी बहुमत से आदरणीय शरद यादव जी को जिताते हैं तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जो 43 सालों से आपकी और हमारी आवाज को बुलंद करते आए हैं तो आगे भी वो हमारी आपकी बेजबानों की जबान बनकर हिंदुस्तान की तकदीर को अपने सुचितापूर्ण राजनीति से तय करने का काम करेंगे। शरद जी के बारे में तरह तरह की बातें होती, जो उनके शागिर्द जो उनके चेले आज वो उनको सियासत की नसीहत दे, इनके पास कहां से वोट है? अरे उनकी स्वीकार्यता तो इतनी है कि 3 अलग अलग राज्यों के लोगों ने उनको मोहब्बत दिया और जिताकर हिंदुस्तान भेजा। ये गौरव इस देश में सिर्फ 4 लोगों को हासिल और किसी के हिस्से ये बात नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल अगर अपना महागठबंधन की सरकार बनवाता है तो ये जो न्यायपालिका के अंदर क्रूर खेल होता है, चुन चुन कर आपको और हमारे वर्ग के लोगों को काउंटर कराया जाता है, सजा में उनके साथ दोहरा रवैया अपनाया जाता है, हमारे नेता को न्याय की पीठ से यह सुनने को मिलता है कि ठंड लग रही है तो तबला बजाइए, गाय भैंस चराने का तजुर्बा है जिसको इनको ओपन कोक जेल में रखिए, तो जिनको सब्जी उगाने का तजुर्बा है तो आपका यह फरमान होगा कि मचलना गार के कहीं इनको रखो, कि किस तरह का न्याय का विधान है। इसलिए जुडिशरी में भी रिजर्वेशन हो, न्यायपालिका में भी आरक्षण हो, इसकी लड़ाई पूरी ताकत और मुस्तैदी के साथ लड़ने का काम किया जाएगा अगर आप अपना समर्थन देते। काहे को कुछ खास लोग जज साहब बन के फैसला नहीं फरमान सुनाएंगे? क्यों नहीं हमारे वर्ग के लोग भी जज साहब और नाज साहब बने? तो ये लड़ाई है और इस लड़ाई को हमको हर हाल में जीतना है। इसलिए जो लोहिया कहते थे संसोपा ने बांधी गांठ,
पिछड़े पावे 100 में 60, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला का बेटा या भंगी मुसलमान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान। तो हमारे घोषणा पत्र में, प्रतिबद्धता पत्र में है कि जो सकल घरेलू उत्पाद का 6% है वो 6% जो है एजुकेशन पर खर्च हो, 16 साल तक के लोगों को राइट टू एजुकेशन के दायरे में लाया जाए। ये सारी योजनाएं हैं, सारे पॉजिटिव एजेंडे हैं। 6 से 10 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को दिया जाए ताकि उनका आवासीय प्रबंध सुनिश्चित हो सके। वो राशि बढ़ाई जाए मनरेगा के अंदर, स्कूल और कॉलेज खोलने के काम हो। जो वित्त रहित कॉलेज है वहां जो प्रोफेसर साहब कहलाते तो है लेकिन उनका परिवार बमुश्किल चलता है, उनको भी सम्मानजनक राशि उनको मानदेय दिया जाए। ये सब के सब हमारे घोषणा पत्र में है और ये घोषणा पत्र सिर्फ रस्मी नहीं है बल्कि हमारी सरकार अगर बनती है तो इन सब चीजों पर बहुत ही गंभीरता के साथ काम किया जाएगा। शरद यादव जी मधेपुरा से कई बार सांसद रहे और इसलिए मधेपुरा का नाम जब भी आता है तो देश दुनिया के मानचित्र पर एक बहुत ही संजीदा किस्म की राजनीति की तस्वीर उभरती है। यहाँ से लालू प्रसाद जी भी जीतते रहे हैं, यहाँ से शरद जी भी जीतते रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अगर हम छपरा से लालू जी को हरा दें, मधेपुरा से शरद जी को हरा दें तो यह हमारी बहादुरी नहीं कायरता होगी और इतिहास हमको माफ नहीं करेगा। इसलिए वो कटवा के झांसे माफ नहीं आए और कुछ लोग कभी किसी को पहुंचा दिया यहाँ, कभी किसी के शादी में चले गए, कभी किसी का न्योता फोड़ दिया, तो ये कोई एमपी का काम नहीं है। यह आपस के रिश्ते के आधार पर कहीं जाया जा सकता है। एमपी का काम है नीतियां बनाना, एमपी का काम है योजनाएं बनवाना, एमपी का काम यह नहीं है कि समाज के जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनके गाड़ी में पेट्रोल भरवा के उनको उचक्कई करने के लिए आप उनके रास्ते को खराब कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे समाज के कलंक के रूप में हमारे सामने हैं। इसलिए जो जेम्स क्लार्क कहते थे कि एक नेता अगले चुनाव के बारे में सोचता है लेकिन एक जन नेता अगली पीढ़ी के बारे में सोचता है, आदरणीय शरद यादव जी अगली पीढ़ी के बारे में चिंतित हैं, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में चिंतित हैं, आने वाली नस्लें नहीं खराब हो सके इसके लिए वो चिंता करते आए हैं। तो इस मधेपुरा की धरती से 23 तारीख को लाल पेन छाप के आगे नीले बटन को दबाकर भारी से भारी मतों से शरद यादव जी को जिताने का काम आप करें। हम यही अपील, यही विनती करने आपसे आए हैं। उम्मीद है कि आप हमारी सुनेंगे, अपने जन नेता को संसद तक पहुंचाएंगे ताकि जो सरकार बनेगी उसमें आपके नेता को एक बहुत अहम और बड़ा विभाग मिलेगा ताकि मधेपुरा की धरती का और भी कल्याण और भी विकास हो सके। इसी उम्मीद यकीन के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू जगदेव जिंदाबाद, डॉक्टर लोहिया जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, रालोसपा जिंदाबाद।